परवेज इलाही से मुतालिक अदालती फैसले में सुकुम इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालती फैसले को कानूनी फोरम पर चैलेंज कर सकते हैं। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। स्पीकर को कहा गया कि इजलास नहीं बुलाना, हमारे पास अक्सरियत नहीं, इनको स्टे ऑर्डर पर इख्तियार देना सूबे की आवाम से जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब की सूरत हाल पर सुमोटो नोटिस ले, राणा सनाउल्ला और ख्वाजा साद रफीक का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग की सीनियर क़यादत का इजलास, पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब और काबीना की बहाली के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत। पंजाब परवेज इलाही और उनकी काबीना बहाल, आइंदा समाअत तक असम्बली ना तोड़ने के बयान हल्फी पर लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म। गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल, बलीगुर रहमान अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। हम वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का पाबंद नहीं कर सकते। जस्टिस आसिम हफीज के रिमार्क, 6 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने गवर्नर की आयन शिकनी का रास्ता रोक दिया। शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। असम्बलियों की तहलील तयशुदा है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है, हम इन्हें अवाम के कटहरे में पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही। इस वक्त इंतशार की नहीं इस्तेहकाम की जरूरत है। अदालत और पंचायत के फैसलों में फर्क जानकर जीना चाहिए। कोई भी सियासतदान मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में किसी इदारे की इज्जत नहीं बची। सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स की दफातर में बंद किया जा रहा है। पार्लियामान रबर स्टैम्प बन चुकी। एक ट्वीट पर 45 पर्चे हो रहे हैं। दहशतगर्दी वापस आ गई है, मईशियत तबाह है। फवाद चौधरी की तनकीद। इमरान खान ने पार्टी के अहम रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आला परवेज इलाही पर एतमाद के वोट के लिए इजलास के हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। गवर्नर पंजाब को हटाने की कार्रवाई भी जेरे बहस आएगी। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। गवर्नर का नोटिफिकेशन आयन शकनी, वजीर आला असेंबली तहलील कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ, मनसूख नहीं, नजरिया जरूरत जिंदा है। फैसला 50-50 है। शेख रशीद। कराची के सियासी मंजरनामे में बहुत जल्द बड़ी हलचल मुतवक्के। पाकिस्तान एमकेएम, पाकिस्तान बहादुराबाद पीएसपी के जम होने का इम्कान। चंद रोज में मामला हतमी तौर पर तय पा जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबरा होंगे। तीनों धड़ों को मिलाने में गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी का अहम किरदार। मुतनाजा ट्वीट का केस, आजम सवाती का जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिजू। ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक फैसले को मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन को फैसले को मुस्तरद करने से पहले वफाकी हुकूमत का मौकफ जानना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों को सुनकर मामला कानून के मुताबिक हल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। और हारिस रऊफ आज रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो जाएंगे। कौमी स्टार के निकाह की तकरीब इस्लामाबाद में होगी। शाहीन शाह अफरीदी और अफगान स्पिनर राशिद खान की हारिस रऊफ को मुबारकबाद, ने ख्वाहिशात का इजहार।